वेलकम फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में एक न्यू नोटिफिकेशन आई है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारी चीज़ें डिले चल रही हैं, टाइम से देरी से चल रही हैं, तो अब एडमिशन के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, तो उसके ऊपर अभी वीडियो हम बना रहे हैं। ओके, बेसिकली आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना है उस कॉलेज की वेबसाइट पर ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने सिर्फ अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मान्य सर एक कॉलेज है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको बता रहा हूँ। आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी, हर पॉलिटेक्निक कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की साइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, सबसे पहले हम क्रोम पर जाएंगे और टाइप करेंगे जीपी मानी सर एंड देन इसको सर्च कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आ जाएगा अक्वा स्पेस, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में ये एडमिशन 2020-21 के ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप, तो एक आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि अभी लोड हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आप वैसे फ्रेंड्स किसी भी और कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो, किसी और पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रेवाड़ी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रोहतक, तो उनकी वेबसाइट्स पे फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। इस फॉर्म के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसका इस फॉर्म को भरने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपका एडमिशन हो गया या एडमिशन आपका हो जाएगा। ये फॉर्म सिर्फ इसलिए है कि आप इस फॉर्म को भरेंगे, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे वैसे ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप 10th पास के ऊपर डिप्लोमा है, 10th पास के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं 3 साल का, तो 10th पास के बाद करिए, तो 10th पास वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए। अगर 12th के बाद या फिर ITI के बाद करना चाहते हैं 2 साल वाला, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ओके, हम अभी फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि जो आपका नाम है वो लिखिए। ओके, और उसके बाद अपने फादर का नाम लिखिए एंड देन अपना मोबाइल नंबर जो चालू हालत में हो उसका नाम लिखिए, और नंबर लिखिए मतलब मोबाइल नंबर, और फिर आप अपनी जीमेल आईडी लिखिए, ठीक है। और फिर आप लिखिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 10th का या 12th का, जिसके बेस पे आप भर रहे फॉर्म, वो क्वालिफाई हो गया या नहीं हुआ। अगर हो गया तो यस करिए, अगर अब रिज़ल्ट नहीं आया तो नो करिए। ओके, और अब ईयर ऑफ पासिंग 10th, मतलब 10th क्लास आपने कौन से ईयर में, कौन से साल में पास करी थी, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। हम अभी यहाँ पर 2017 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 10th का परसेंटेज, मतलब कि आपका 10th का क्या परसेंट था, 80-90 जो भी परसेंट आपका आए थे वो लिख दीजिएगा। अब जेंडर लिख दीजिएगा, मेल फीमेल जो भी आप हो। ओके, एंड देन आप एड्रेस को टाइप कर दीजिएगा कि क्या आपका एड्रेस है, ओके, जहाँ आप रहते हो। फिर आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो वो ब्रांच को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका कि एक फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाएंगी कॉलेज के पास। और जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि एडमिशन से रिलेटेड कोई भी नई खबर आएगी, तो आप पर सबसे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ओके, तो आराम से आप बेफिक्र होकर बैठ सकते हो, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडमिशन से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके चैनल पर जल्दी से जल्दी पहुँच वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो जय हिंद फ्रेंड्स, अगर कुछ भी बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।